मुंबई के उपनगरीय मध्य रेलवे लोकल ट्रेनों के अंतिम स्टेशनों में एक है करजत, और यहीं से 22 किलोमीटर उत्तर में बसा है ग्राम पार्थरज, जो इन दिनों चर्चा के केंद्र बिंदु में इसलिए है क्योंकि अब तक महाराष्ट्र सरकार इसे दो बार पुरस्कृत कर चुकी है। कभी अपनी बदनाम छवि के कारण कुख्यात रहा पार्थरज आज पर्यटन स्थल बन चुका है। पार्थरज की छवि अब धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, खेलकूद, नशा मुक्ति, और हरित क्रांति जैसे कार्यक्रमों के आयोजक के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब परिवर्तन पार्थरज में कैसे हुआ। शराब पीने वाले चरणामृत और दंगा फसाद करने वाले भजन में कैसे लीन रहने लगे? क्यों सरकार को इस गांव को शांति पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए और कंटक मुक्ति के लिए 6 लाख रुपए देकर पुरस्कृत करना पड़ा? कहीं यह कोई काल्पनिक कहानी तो नहीं? यही सत्य जानने के लिए मैं अपनी टीम के साथ पार्थरज की पथरीली जमीन पर पहुंचता हूं। मगर ये क्या, ना तो यहां गर्म हवाएं हैं ना तेज धूप की तपिश, यहां तो चारों तरफ हरियाली है। तभी किसी ने आकर मुझे ही बताया कि वो हैं हमारे पापा जी, जिन्होंने इस गांव को नया स्वरूप दिया है। पापा जी, मैं एक विशालकाय विनम्र व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता हूँ। पूछने पर पता चलता है ये कोई और नहीं, एशिया के अग्रणीय चेस्ट डॉक्टरों के गुरु एवं भारत सरकार द्वारा चेस्ट डिसीज उन्मूलन के लिए भीष्म पितामह सम्मान से सम्मानित डॉक्टर केसी मोहंती हैं। डॉक्टर केसी मोहंती के बारे में क्या बोलूं? मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड इन ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स। जब भी इनके बारे में बोलने के लिए सोचता हूं, तो कैसे कहूं? मैं तो फक्त उनको 20 साल से जानता हूं। इतनी बड़ी प्रतिभा को, जिनकी इतनी मल्टीफेसेट एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन के फील्ड में देखो, पब्लिक सर्विस के फील्ड में देखो, मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में देखो, कई रूप है। मैं तो उनके एक अंश को भी नहीं जान पाया, ऐसा मुझे लगता है गए 15 सालों में। उनके पेस पे काम करना यानी जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जब भी मैं याद करता हूँ मेरी पहली मुलाकात उनके साथ, एक जे हॉस्पिटल के रूम में, कॉमन रूम में बैठे थे ऐसे टेबल के ऊपर,
एक छोटा सा लंच बॉक्स उनके सामने है जिसमें दो रोटियां एंड सम सिंपल यू नो वेजिटेबल एंड सलाड पड़ा है, और मैं उनके सामने पहले आता हूँ जे जे हॉस्पिटल में लेक्चरर बन के ज्वाइन करके, जस्ट नया नया पास हुआ स्टूडेंट, एंड वो उनमें से आधी रोटी मुझे दे के बोलते लो खाओ, क्या बनना चाहते हो, वॉज दिस क्वेश्चन। एंड आई वॉज लाइक, इतने बड़े इंटरनेशनल चेस पोजिशन के सामने बैठा हूँ, सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ, एंड उनके सामने पड़ा था उनका 20 पन्ने का बायोडाटा, और मैंने बोल दिया सर मुझे ऐसे बायोडाटा चाहिए, मुझे आपके जैसे बनना है। एंड पता नहीं उस दिन से उन्होंने इतने ब्लेसिंग्स रखे मेरे सर पे, हर एक स्टेज पे उन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया कि आज जो भी हूँ उनका सारा श्रेय सर को जाता है। मेडिकल एजुकेशन के बारे में खैर आप सब जानते हैं, इतने स्टूडेंट्स जिनके स्टूडेंट जिसको हम आज भीष्म पितामह कहते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के, कि उनके प्रपौत्र आज वेरियस मेडिकल कॉलेजेस के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, और कितनी जनरेशन के चेस्ट फिजिशियन की लाइफ को उन्होंने छुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कितने पेशेंटों को उन्होंने ट्रीट किया है, कितने पेशेंटों की लाइफ जिन्होंने बदल दी है। आज भी कभी हम अटक जाते हैं, कई बार हम नहीं पेशेंट के बारे में समझ पाते, हिज एडवाइस इज जस्ट वन फोन कॉल अवे, आप कहीं भी कैसे भी उनको फ़ोन करके फ़ोन पे आप उनको पूछ लो, एंड उनकी ट्रीटमेंट वुड चेंज दैट पेशेंट्स लाइफ फॉर एवर कम्प्लीटली। मेडिकल फील्ड की बातें तो रही, सोशल कॉज के लिए उन्होंने इतनी एक्टिविटीज़ की है, करजत का जैसे एग्जांपल दूं, पूरे करजत विलेज की कायाकल्प में उनका बड़ा सहयोग रहा है, जो जगह एक ज़माने में बैरन थी, जो जगह एक ज़माने में पूरी सूखी पड़ी थी, आज अगर आप करजत जाके देखो जितनी ग्रीनरी है उसका बड़ा श्रेय सर के यू नो वजह से है। उन्होंने वो टाइम पे टैंकर मंगवा के फील्ड्स में पानियाँ डलवा के इतने सारे ट्रीज़ को ग्रो करने की लोगों को सलाह दी, और खाली सलाह दी ऐसा नहीं, हर वीकेंड पे संडे मंडे जाके वहाँ रुकना, दो दो दिन वहाँ रुकना विद मिनिमम फैसिलिटीज़, ज़मीन पे सोना, एंड लोगों के साथ मिल के उन्होंने वो गाँव का कायाकल्प किया। आज जो करजत की वैल्यू है वो सब श्रेय उनको जाता है, करीबन 8 महीने आज करजत में ग्रीनरी रहती है या पानी रहता है, जो करीबन 10-12 साल पहले वॉज अनथॉट ऑफ के अनहर्ड ऑफ थिंग थी। उसके बाद में उनको एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स का मन किया, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उन्होंने मेरे ख्याल से 10 या 12 मंदिर बनवाए हैं खुद खड़े रह के, जस्ट डोनेशन दे दिया ऐसा नहीं, खाली पैसे दे दिया लोगों को चुकिया बनाने के लिए ऐसा नहीं, वहाँ खड़े रह के, जिस मैंने तो पहली बार सुना कर सेवा, कर सेवा मतलब गाँव के लोगों को बोला गया कि आप यहाँ टेम्पल बनाओ, सुबह में काम करो, शाम को खाना यहाँ खाओ। दे वर नॉट पेड मनी, मतलब उनको पैसे नहीं देखे गए, सब अपनी स्वयं इच्छा से, जिसको जिस दिन मौका मिला, आज जैसे मैंने 2 दिन काम कर लिया, फिर मैं नहीं आया और दूसरे विलेजर ने काम किया, और दूसरे विलेजर ने काम किया, ऐसा करके करीबन 1.5 एकड़ में करीबन 10-12 मंदिर का कॉम्प्लेक्स बनवाया विदाउट एनी आर्किटेक्ट। आई कैन नॉट इमेजिन अ चेस फिजिशियन, अ साइंटिस्ट ऑफ हिज नेचर, मेकिंग अ टेम्पल विद हिज ओन विजन, एंड द टेम्पल इज कैन बी एग्जाम्पलरी, इतना बड़ा आर्किटेक्ट लोगों को भी एग्जाम्पल दे पाए, इतना बड़ा टेम्पल उन्होंने बनवाया, उसकी मूर्तियाँ आई अभी आज, उसके बाद में इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ वो गांव में चलती है, कम्युनिटी हॉल चलता है, हर संडे कितने भी लोग आए वहाँ प्रसाद लेके जाते हैं, एवरीथिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय हिम पर्सनली, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन गाँव के लिए रहा है। कितने सारे लोगों के मैरिजेस करवाए, कितने सारे स्कूल के टीचरों को प्रोत्साहन दिए, उनको अवार्ड्स दिए, उनको उनकी छोटी छोटी सिद्धियों को रिकग्नाइज करके उनको प्रोत्साहित किया गया कि दे कैन सर्व बेटर। 16-17 स्कूल आजू बाजू के एरियाज़ में उनका उन्होंने कायाकल्प करवाया, HIV के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करवाई उधर, TB के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करवाई उधर, एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करवाई उधर, छोटी छोटी कॉम्पिटिशन, छोटे छोटे स्कूल के लेवल के प्रोग्राम्स एक्सेट्रा टू मोटिवेट देम फॉर द कॉज, दैट वाज वन ऑफ हिज एक्टिविटी। विलेज के अंदर आज भी जाके किसी को भी पूछे, पापा जी का मंदिर, ही इज़ नोन एज पापा जी देर, पापा जी इज़ लाइक ग्रैंड फादर, एंड आप कहीं भी जाके करजत उतर के पूछो पापा जी का टेम्पल, यानी इट इज़ एज इफ यू नो हिज टेम्पल। मुझे तो साईं बाबा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे साईं बाबा तो सर है, मैं तो जो भगवान को देखता हूँ मेरे सर में देखता हूँ, और कोई भी ऐसी जो दिव्य शक्ति मानी जाती है, कि जो दिव्य शक्ति का मतलब क्या होता है मेरे 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 विचार में, कि जो आपका जीवन बदल दे, जो आपको जीवन की सही राह दिखाए, मेरी दिव्य शक्ति तो मेरे सर रहे हैं।
आई थैंक ऑल माइटी गॉड, जो भी है कि जिन्होंने मुझे सर से मिलवाया और मेरी जिंदगी का भी कायाकल्प हो गया। थैंक यू। मंजिल दूर है, सफ़र लंबा, वक्त कम है, बहुत कुछ करना है। आइए हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हैं।